ये झांसी का ऐतिहासिक किला है, जिसे देखने के लिए न सिर्फ देश के बल्कि दुनिया भर के पर्यटक यहाँ आते हैं। और ये उसका प्रमुख द्वार है सामने, और वहाँ से जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपको यहाँ एक बोर्ड दिखा मिलेगा जिस पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है साफ साफ, पीने के पानी का तीर बना हुआ है। जिस तरफ मैं खड़ा हूँ इस तरफ पीने के पानी का एक निशान बना हुआ है कि यहाँ पे ये पीने का पानी का जगह है। आप यहाँ देखिए, ये तीन नल लगाए हुए हैं जिसको कहा माना गया है कि ये पीने के पानी के लिए है, ये बच्चों के लिए, बड़े लोग के लिए। लेकिन स्थिति ये है यहाँ पर कि आप अगर बाई चांस आपको प्यास लग जाए और आप बहुत धूप में परेशान हो गए हों तो यहाँ पानी आपको नहीं मिलेगा। ये स्थिति है, यहाँ पानी नहीं है। ये इस नल में आप दबाएंगे, यहाँ भी पानी नहीं है। और यहाँ देखिए, यहाँ पानी नहीं है। आप भैया क्या नाम है आपका? हमारा रिजवान खान। खान साहब, आपने बच्चा घूमने आए हैं, आप पानी भरने, लेकिन यहाँ पानी तो है ही नहीं। कितने घंटे से घूम रहे हैं किले में? हो गया 5 घंटा तो हो गया, लगभग लगभग 45 मिनट से आप घूम रहे हैं यहाँ पे। अंदर पीने का पानी का इंतजाम नहीं। कितने रुपए का टिकट लिया था? 50 रुपए का, ऑनलाइन कराया वो भी। यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए समस्या कितनी है कि वो जब वो यहाँ आते हैं पीने का पानी नहीं है, वॉशरूम्स नीचे बनाए हुए हैं। और भी लोगों में बात करेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबूलाल यादव। बाबूलाल जी, कितने घंटे से घूम रहे हैं किले में? 2 घंटे से। प्यास लगाई है? लगाई, बहुत जोर से लगी प्यास। तो अंदर क्या इंतजाम है पानी के पीने? नहीं, कोई पानी का इंतजाम नहीं है। झांसी का आप सुन रहे हैं, आप लोगों को मिला पानी? नहीं 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 मिला। तो ये स्थिति है, पीने का पानी अगर आप किले में आते हैं अपने साथ आप लेके आ सकते हो। किला बहुत ऊपर है, अंदर बोतल वाली पानी आपको मिलेगा नहीं क्योंकि सरकार ने प्लास्टिक बैन कर दिया है। और जहाँ नलों में पानी आना चाहिए वहाँ है नहीं। इसके लिए ज़िम्मेदार लोग से अगर बात करें तो कहते हैं कि हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, जब पानी आना होगा तो आ जाएगा। और ऐसे में पर्यटकों को, क्योंकि ये किला बहुत विशाल किला है, लगभग ये किला बहुत एक अच्छे खास क्षेत्रफल में फैला हुआ है, और इस वजह से यहाँ पर लोगों को घूमने के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे लगते हैं। और ऐसे में अगर पीने के पानी का इंतजाम ना हो तो लोग क्या होगा? तो ऐसे में एक तरफ जहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने की बात की जा रही है, वैसे में अगर मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं तो ये भी एक बड़ा सवाल है। न्यूज़ 18 लोकल के लिए झांसी से शाश्वत सिंह की रिपोर्ट।